हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रहीम, आप देखते हैं क्रिएटिव हैक्स। दोस्तों आज इस वीडियो में वॉल म्यूरल्स के ऊपर पेंटिंग करने की असली आसानी तरीका मैं इस वीडियो में आपके लिए देता हूं। दोस्तों पहले आप इसी तरह वॉल केयर से और POP 4:1 रेशियो मिला के आप पहले ऐसा वॉल केयर से डिजाइनिंग बनाना। मैं ऐसा डिजाइनिंग बनाने के लिए मेरे को 2 दिन समय लग गया था और 2 दिन के बाद इसे मैं छोड़ दिया। 4 दिन के बाद ये सब भी ठीक से सूख जाएगा। दोस्तों ये धूप के और पानी से और ये नहीं उखड़ता, क्योंकि वॉल के 90% या मिलाते POP या 10% मिलाते और 2 एब्जॉर्ब होने के साथ वो क्रैक्स नहीं आता और आपको 5 ईयर्स तक गारंटी होने ऐसा ही रहेगा। दोस्तों अब इसके ऊपर पेंटिंग करना की आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले म्यूरल डिजाइन के ऊपर और सूखने के बाद 150 और 180 नंबर सैंड पेपर लेके इसके ऊपर सैंडिंग करना पड़ेगा और सैंडिंग करने के बाद इसके ऊपर इंटीरियर और एक्सटीरियर प्राइमर को अप्लाई करना, क्योंकि दोस्तों आप इसके ऊपर एक्रिलिक पेंट यूज़ कर सकते, इमर्शन पेंट यूज़ कर सकते, ऑयल पेंट यूज़ कर सकते, बहुत सारे पेंट इसके ऊपर आप यूज़ कर सकते। कौन सा वाला पेंट है तो क्या कलर्स में आप यूज़ कर सकते। दोस्तों इन सब कलर्स को आप यूज़ करने के पहले इसके ऊपर आप प्राइमर डालना ही पड़ेगा। पहले प्राइमर डालना और 1 घंटा सूखने देना, उसके सूखने के बाद उसके ऊपर आप स्प्रे से डिजाइनिंग करना। वो सब कुछ कैसे करना कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप लास्ट तक देखना, आपको मेरा वीडियो पसंद गया तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। दोस्तों ये वॉल केयर पुट्टी, इसके ऊपर हमें सिलिकॉन ब्रश से फिनिशिंग दिया था और छोटे छोटे लाइन्स है इसके ऊपर रहेगा। इन सभी लाइन्स को हम अच्छी तरह से स्मूथ करना पड़ेगा। दोस्तों मैं 150 सैंड पेपर यूज़ करता हूँ, एशियन पेंट्स वाले का 150, और इस पेपर का सब फोल्ड करना और इसके ऊपर सैंड करना। दोस्तों यहाँ दिखना, इधर लाइन्स आएगा और सैंडिंग करने के बाद ये बहुत सारे स्मूथ होने दिखेगा आपको, ठीक है। इसी तरह आप ट्री सबको सैंड करना और डस्ट सबको रिमूव करना और उसके बाद इसके ऊपर प्राइमर अप्लाई करना। दिखना दोस्तों कितना स्मूथ से निकला था ये। इसी तरह आप सैंडिंग करना पड़ेगा इस ट्री सबको। दोस्तों इस डिजाइन के ऊपर पेंटिंग करने के लिए मैं ये स्प्रे पेंट मशीन को इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों इसे मैं मार्केट में मंगाया था ऑफलाइन में। ये मार्केट में इसका कॉस्ट आके 10,500 रुपीज़ दोस्तों। ये आके 2 HP हमको बर हो जाता है म्यूरल स्प्रे पेंटिंग करने के लिए। और ये आके ऑन ऑफ बटन, ये ऑन करेगा तो मशीन ऑन होएगा और हर 15 डेज़ को एक बार इसका ऑयल चेक करना। इसमें ज़रूर ऑयल रहना ही पड़ेगा। ये वाला था ऑयल का, और इसे ऐसा खोल के इसके अंदर हम ऑयल डालना और 15 डेज़ को एक बार इसे चेक करना, ऑयल ज़रूर डालना दोस्तों। और उसके बाद ये मशीन को आके 2 पिस्टन्स आते हैं, दो पिस्टन से दिया गया है इसको। आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों ये 15 मिनट्स को सभी सिलेंडर सभी फिल हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक होने खट जाएगा। हमें स्प्रे मशीन का इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। ये मैं गन मार्केट में मंगाया था, इसका कॉस्ट आके 1800 रुपीज़ आपको चीप प्राइस में मिल जाएगा। ये आपके एरिया में बहुत सारे कंपनीज आपको मिलते दोस्तों, उसमें अच्छी तरह कंपनी से आप परचेस करना और मोलना, और इस डिजाइन करने के लिए यही मशीन आपको बहुत परफेक्ट से शूट होएगा। अब मैं इससे इस्तेमाल करता हूँ, अब ध्यान से दिखना सीखना। दोस्तों इसे मैं सैंड किया और इसके ऊपर डस्ट सब भी रिमूव कर दिया, और इसके ऊपर इंटीरियर और एक्सटीरियर प्राइमर सिंगल कोट डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्प्रे से आप स्प्रे करेगा तो लेयर पतला चढ़ेगा, इसलिए मैं ब्रश से यूज़ करता हूँ। ब्रश से यूज़ करते समय में प्राइमर आके बहुत गाढ़ा थिकनेस से चढ़ेगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ वैसी तरह करना आप। ऐसा झाड़ को लेयर सब भी चढ़ाना पड़ता है दोस्तों। ऐसा डालने के बाद इसे एक 1 आवर तक छोड़ देना, और सूखने के बाद इसके ऊपर मैं कलरिंग करता हूँ। दोस्तों स्प्रे करते समय सीलिंग के ऊपर पेंट ना चढ़ने के लिए हम सीलिंग को न्यूज़पेपर चिपकाया था, 1 इंच पेपर तय के इस्तेमाल करके, और न्यूज़पेपर से सीलिंग को और पिक्चर को गोल भी हम ऐसा लगा सकते। पिक्चर को पहले बैकग्राउंड मैं ट्रैक्टर शाइन इस्तेमाल करता हूँ। ट्रैक्टर शाइन एक कोटिंग डाल सकते, और फिनिशिंग ना आएगा तो आप 2 कोटिंग डाल सकते। ये टिंट का कोड नंबर आके 8495। एशियन पेंट्स में आपको टिंट मिलेगा, इस टिंट को अच्छी तरह से शेक करके थोड़ी सी 2 पॉइंट डाल के हम कलर को मिक्सिंग कर सकते। थोड़ी सी पानी डालना इसमें, पेंट को डाइल्यूट कर लेना, अगर गाढ़ा रहेगा तो स्प्रे मशीन में नहीं चढ़ेगा। दोस्तों स्प्रे करते समय आप पेंट को एक क्लॉथ रख के फिल्टर करके स्प्रे मशीन में डालना, क्योंकि वैसा डालेगा तो आपको अच्छी तरह से रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, बीच में वो स्टक नहीं हुएगा। अगर आप फिल्टर नहीं करेगा तो पेंट में कौन सा तो डस्ट आएगा तो मशीन में स्टक हो जाएगा और आपका काम नहीं चलेगा। दोस्तों पहले पिक्चर के बैकग्राउंड दीवार के ऊपर बैकग्राउंड पेंट चढ़ाना। मैं ट्रैक्टर शाइन लिया था, और इसके ऊपर मैं 2 कोट्स चढ़ाता हूँ। दीवार के ऊपर बैकग्राउंड ये लाइट कलर डाला था मैंने, और ये बैकग्राउंड कलर कंप्लीट होने के बाद इसमें हवे एक 4 पॉइंट 8495 कलर उसमें डाल के थोड़ी सी डार्क करना। सभी को ये डार्क कलर शेड चढ़ाना ही पड़ता है स्प्रे से। 2 पॉइंट डाला था मैं इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करना इसे, और ये डार्क कलर ट्री को चढ़ाना ही पड़ेगा। Thank you.
8495 कलर उसमें डाल के थोड़ी सी डार्क करना, और आर्टिकल्स ट्री है ना, वो ट्री को और स्टेम्स को ब्रांचेस को सभी को ये डार्क कलर शेड चढ़ाना ही पड़ता है स्प्रे से। दो पॉइंट अच्छी तरह से मिक्स करना है इसे, और ये डार्क कलर ट्री को चढ़ाना ही पड़ेगा दोस्तों। ऐसी तरह आप ट्री सभी को करना, ठीक है।